देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में नवरात्रों के समय श्री राम के जीवन पर आधारित और उनके आदर्श को दर्शाती रामलीला का मंचन विभिन्न जगहों पर होता है, जहां बड़े बड़े मंच और बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। ऐसे ही रामलीलाओं में शामिल केशव रामलीला कमेटी के आयोजक भी नेताजी सुभाष पैलेस में एक रामलीला का आयोजन हर साल करते हैं, लेकिन इस साल रामलीला की विशेषता यह है कि जहां सभी जगह 9 दिन में रामलीला का पूर्ण मंचन होता है, जिसमें श्री राम जन्म से लेकर रावण वध तक दिखाया जाता है, लेकिन केशव रामलीला कमेटी नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा में जो रामलीला का मंचन कर रही है, उसमें रोज श्री राम जन्म से लेकर रावण वध के दृश्य का मंचन किया जाएगा। केशव रामलीला कमेटी के आयोजक अशोक गोयल देवरहा ने बताया कि इस दौरान इस भाग दौड़ के जीवन में हमने देखा कि लोग सिर्फ एक ही दिन का समय निकालकर रामलीला का मंचन देखने आते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे पूरे 9 दिन का मंचन देखें और पूरी रामलीला का आनंद लें, इसलिए वह इस बार 9 दिन हर रोज श्री राम जन्म से लेकर रावण वध तक का मंचन करने का निर्णय लिया, जिससे कि जो समय निकाल कर रामलीला देखने आते हैं एक ही दिन में संपूर्ण रामायण के दर्शन हो सके और समय की भी बचत हो सके। मधु गुप्ता, दिल्ली प्रदेश प्रचार मंत्री महिला मोर्चा। मुझे आप इस कार्यक्रम में आए कैसे? मुझे सुबह जब इनवाइट किया गया तो मैं यहाँ आई, तो मुझे यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य और काफ़ी अच्छा इसलिए लगा कि एक तो सभी लोग अच्छी तरह से उपस्थित थे और सभी का स्वागत किया गया, हर एक का स्वागत किया गया, खाना बहुत लजीज था और बहुत अच्छा था। हमारी संस्कृति के अंदर अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहें जैसे रामलीला जैसे, तो ये तो हमारे गली का और हर गली में भी होते रहें तो भी कम है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा ऐसा जो है ये प्रोग्राम इतना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, ये भी भाग ले लेते हैं रामलीला के अंदर, उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनको भी ये पता चलता है कि राम कौन थे, सीता कौन थी, इसके बारे में हमारे मतलब रामायण के बारे में, इन सब बातों का बच्चों को सबका असर अच्छा पड़ता है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, आगे भी ऐसे होते रहें मेरा ऐसी मान्यता है। नहीं देखिए, हम लोग संपूर्ण रामलीला करते हैं यहाँ पर, और पिछली बार हमने ये अनुभव किया था कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जो लोग हैं वो एक ही दिन रामलीला देखने आते हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना संपूर्ण रामायण भगवान राम से लेकर रावण का वध एक ही दिन हो, और रावण तो हर रोज़ ही मरना चाहिए, तो हम भी ये प्रयास करते हैं कि जो लोग आएँ वो संपूर्ण रामायण देख कर जाएं, जो अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी भी है, अनुभव देने वाला भी है और युवा पीढ़ी को भी जोड़ता है, ये हमने प्रयोग किया है। और इस बार भी हम संपूर्ण रामायण करेंगे, स्टेज सेट पे हमने एक यशो भूमि जो द्वारका में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट 3rd नंबर पे है, उसका हम पिछली बार हमने भारत मंडपम का सेट बनाया था, इस बार यशो भूमि का हम सेट बनाने वाले हैं, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा। और हम लोग नए प्रयोग करते हैं, इस बार भी हमने ये नया प्रयोग किया है, डाइनिंग हॉल जो है वो वातानुकूलित है, जिससे कि लोग जब खाना खाएंगे तो उनको असुविधा ना हो, और जो रामलीला देखने वाले हैं जिसमें जो पीछे का हिस्सा है उसको हमने थोड़ा एलिवेट किया, जिससे कि पीछे के लोग भी उनको खड़ा ना होना पड़े, असुविधा ना हो, और एलिवेट करने से वो ठीक से रामलीला को देख सकें। इस बार हमने और सुख सुविधाओं का हमारे राम भक्तों के लिए ख्याल किया। सुरक्षा के लिए हमने CCTV का इंतजाम किया है, वॉलंटियर्स हमारे हैं, दिल्ली पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पार्किंग की हमारी टीम है, सब मिलकर हम लोग काम करते हैं, इसमें करीब 300 लोग जो हमारे लगे रहते हैं, और कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो CCTV से लैस ना हो, और हम सब लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी राम भक्त को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, हम निश्चित रूप से इसका ख्याल रखेंगे। जो श्रद्धालु आएंगे उनको क्या पास मिलेगा या टिकट का कोई प्रोसेस? नहीं, ये पूरी रामलीला हम लोग निःशुल्क करते हैं, और पास हम यहाँ से वितरित करते हैं जो कि निःशुल्क है, कोई भी राम भक्त यहाँ कर आकर पास लेकर जा सकते हैं। अगर कोई आना चाहे तो पास कैसे मिलेगा? पास यहीं पर जो हमारा ये कैंप कार्यालय खुल गया है, अगले वीक से यहाँ पर पास मिलेंगे, कोई भी राम भक्त जो रामलीला देखना।
देखा जी आप इस कार्यक्रम में आई आज भूमि पूजन, क्या संदेश देते हैं आज? भाई केशव रामलीला कमेटी के द्वारा आज रामलीला के कार्य का शुरुआत हुई है। भूमि पूजन का कार्यक्रम था, दिल की गहराई से अशोक देवराहा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हर साल बड़ी भव्य रामलीला यहाँ की जाती है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र में इस रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कला की दृष्टि से, जिसमें संस्कृति की दृष्टि से, इसमें इतना सुंदर मंचन जो कलाकारों के द्वारा होता है बहुत ही सुंदर होती है। और मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा संतोष शर्मा नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ। त्रिनगर मंडल में मैं उपाध्यक्ष हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता, हर जगह काम करता रहता हूँ। बताएं आज इस कार्यक्रम में क्या? हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी रामलीला और जिस तरीके से मॉडर्न पूरा जो रामलीला में लोग जो बदलाव हो रहा है वो रामलीलाओं के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो ये बहुत पुरानी सभ्यता है। अभी हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, उन्होंने बताया कि 17 लाख पुरानी ये हमारी जो संस्कृति रामलीला की जो चलती हुई आ रही है, आने वाले जो पीढ़ी है उसमें ये सभी जो लोग हम काम करते हैं, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसका अवलोकन हम रामलीला के द्वारा करते हैं। जो आगे आने वाली पीढ़ी है इसको भी अपने संलग्न में और अपने जीवन में लाए, ये रामलीला हमें सिखाती है। इससे हम लोग सीखते हैं कैसे प्रभु राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने अपने वचनों का निर्वाह किया, किस तरीके से पति और पत्नी के साथ में क्या अपना भाव होना चाहिए, किस तरीके से रिश्ते होते हैं, इस तरीके से भाई और भाई के साथ में कितना प्यार होता है। आज मॉडर्न फैशन के हिसाब से आज कहीं भी देखने को ये चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन हमें ये रामलीला सिखाती है, उससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं और नई पीढ़ी को हम आगे बढ़ने का संस्कृति के द्वारा मौका देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए एक माध्यम है। जय